सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। चलो अब हमें पढ़ना है रोटेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर माइक्रोवेव सॉरी फेराइट के अंदर प्रोपगेशन पढ़ लिया था, उसकी फेज वेलोसिटी डिस्कस कर ली थी। सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी तो किस तरह से पोलराइज्ड होगी, तो वो सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो उसका बेसिक फंडा है दैट इज द रोटेशन, तो हमें उसके रोटेशन के बारे में स्टडी करना है फटाफट से। आज हम जो डेरिवेशन करेंगे वो होगा रोटेशन का, दैट इज कॉल्ड फेराइडे रोटेशन, क्योंकि फेराइट के अंदर जो रोटेशन की बातें करी थी वो फेराडे ने करी थी। और फेराडे ने ये बात बोली थी कि किस प्रकार से माइक्रोवेव का रोटेशन होता है फेराइट के अंदर, क्योंकि फेराइट का जो काम होता है वो काम होता है माइक्रोवेव को रोटेट करना। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट से क्या क्या डिस्कशन होता है इसमें। तो हेडिंग तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है रोटेशन, दैट इज फेराइट रोटेशन। तो जो टॉपिक है वो है माइक्रोवेव फेराडे रोटेशन। ठीक है, देखो सो कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉसलेस फेराइट। तो ये पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। सो कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉसलेस फेराइट मीडियम, फेराइट मीडियम क्योंकि इसी में होगा रोटेशन, फेराइट मीडियम विद स्टैटिक फील्ड बी नॉट, विद स्टैटिक फील्ड बी नॉट। अब मान लो मैंने आपको पहले बताया फेराइट के अंदर रोटेशन जब भी होगा ना, जब उसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट होगा वहां पर। ठीक है ना, एक कांस्टेंट अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन, और वो कहां पर अप्लाइड होगा जेड में, अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन। नाउ लेट TEM ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बातें करूंगा मैं यहाँ पे ना, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बातें करेंगे तो दैट इज TEM। लेट TEM वेव इज प्रोपगेटिंग, वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड सॉरी प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। आपका वेव भी कहाँ प्रोपोगेट हो रहा है, जेड में, जो कि नॉर्मली हम लोग मानते हैं। दैट इज लीनियरली पोलराइज्ड, दैट इज लीनियरली पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और वो मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियरली पोलराइज्ड हो रही है। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस वेव, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन ऑफ
दिस वेव रोटेट्स रोटेट्स एज इट प्रोपगेट थ्रू अ फेराइट मीडियम एज इट एज इट प्रोपगेट थ्रू अ फेराइट मीडियम फेराइट मीडियम इन द जेड डायरेक्शन तो जिस तरह से वो प्रोपगेट होगी जेड डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी रोटेशन भी प्रोवाइड करवाएगी जेड डायरेक्शन में ठीक है ना और ये रोटेशन किसकी वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा जो जेड डायरेक्शन में अप्लाइड है क्योंकि तो फेराइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये हम लोग 2-3 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से रोटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन प्रोवाइड करवाता है ठीक है दिस इज नोन एज फेराडे रोटेशन इसी को हम बोलते हैं फेराडे रोटेशन सो दिस इज नोन एज फेराडे रोटेशन नाउ लीनियरली पोलराइज्ड वेव मे बी कंपोज्ड अब इसको हम लोग आगे स्टडी करते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव को नाउ लीनियरली लीनियरली पोलराइज्ड वेव मे बी वेव may be decomposed into the sum of the left and the right and right handed circularly polarized wave अब देखो left handed और right handed circularly polarized हम लोग last class के अंदर पढ़ चुके हैं ठीक है ना कि वो कैसे कैसे वो polarized होता है उसकी velocity क्या क्या होती है that means अब यहां पर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो टी कंपोनेंट है तो ये एक्स के अंदर हम लोगों ने इसको पोलराइज्ड किया है और उसका प्रोपगेशन कहां पर है जेड में है और ये एक्स के अंदर भी दो तरीके से पोलराइज्ड हो रहा है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड तो जब वो लेफ्ट हैंडेड होगा तो उसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे देखो ये पोलराइजेशन है मान लो ये एक्स ये वाई है तो लेफ्ट हैंड में यहां पर आएगा उसका कंपोनेंट और राइट हैंड में यहां पर आएगा उसका कंपोनेंट तो लेफ्ट हैंडेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इसका जो एम्पलीट्यूड का आधा फैक्टर है वो इधर चला जाएगा और राइट हैंडेड के अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई और इसके एम्पलीट्यूड का आधा पार्ट राइट हैंड में चला जाएगा और बाकी प्रोपगेशन पार्ट वही का वही है उसमें कोई इशू नहीं है केवल एम्पलीट्यूड जो है ना वो आधा आधा हो गया एक्स केप और वाई केप के अंदर मतलब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में बाकी तो वही का वही है यही सही यहाँ पर एक्सपोनेंशियल समथिंग नाउ द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बाद में इसके प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट की सो द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट द प्रोपगेशन
constant for left and right handed polarization, for left and right handed polarization is simply यहां पर दिखाता हूं, मैं सबसे पहले लेफ्ट की बात करता हूं, तो नीचे लिखता हूं मैं लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन में क्या होगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो मान लेते हैं लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन में, फॉर द लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन, इसमें तो प्रोपगेशन कांस्टेंट मान लेता हूं मैं कितना हो जाएगा, आयोटा बीटा माइनस, ठीक है। और राइट हैंडेड पोलराइजेशन में मान लेता हूं ये हो जाएगा, तो राइट हैंडेड के अंदर आयोटा बीटा प्लस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स प्लस आयोटा वाई ई नोड अपॉन टू एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा माइनस, और इसको हम लोग बोल देते हैं लाइक एल, जेड डायरेक्शन में एल लेंथ बोल दो इसको चाहो तो आप, ठीक है। और ये लेफ्ट का हो गया, और जब राइट की बात करता हूं मैं तो राइट में ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये राइट हैंडेड का फॉर्मूला है एक्स माइनस आयोटा वाई, और आधा एम्पलीट्यूड हुआ जा चुका है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस, ठीक है। ये राइट की बात हो गई, इसको भी एल बोल दो। थोड़ा और इसको सोल्व करेंगे हम लोग, और एक्स और वाई को अलग अलग कर लो, जो एक्स वाले फैक्टर्स हैं उनको एक तरफ निकाल लो और जो वाई वाले हैं उनको एक तरफ निकाल लो। तो एक्स वाले में क्या हो जाएगा, एक्स ई नोट अपॉन टू ये कॉमन ले लो, और क्या क्या बच रहा है, तो यहां पर बच रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा माइनस एल। और अगर मैं इस वाले फैक्टर में दो का ऊपर और दो का नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सिमिलरली यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस आयोटा बीटा प्लस एल, यहां से एक्स कॉमन आ गया ना, तो इसका भी दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ऐसे आप लोग वाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो y के साथ में क्या आ रहा है, देखो अगर आप y को थोड़ा सा कॉमन लोगे तो आयोटा भी आ जाएगा साथ में, तो प्लस आयोटा भी आएगा, y के तो आएगा ही सही, और e नोट अपॉन टू भी रहेगा ही सही। यहाँ पर वही का वही फैक्टर है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा माइनस एल टू अपॉन टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस एल टू अपॉन टू, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा और इसको सोल्व करूं मान लो, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे नीचे आ जाओ, इस एक्स वाले को अगर आप लिखते हैं तो इसको तो लिख दो एक्स केप और ई नॉट अपॉन टू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लिख सकता हूँ इसको, एक्सपोनेंशियल ये ट्वाइस है और ये भी ट्वाइस है, इन दोनों एक्सपोनेंशियल को अगर हम कंबाइंड कर दें मान लो, तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इसको लंबा लिखना पड़ेगा बट हाँ हो जाएगा तुमसे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस एंड प्लस आयोटा बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस अपॉन टू,
एल तो ठीक है बाहर आ ही जाएगा, वो तो दिक्कत नहीं है, अपॉन टू एल तो ठीक है सबके बाहर आ जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे ना तो इसके बाहर एल तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहो तो इसको ओपन करके देख लो, मैंने केवल इस एक्सपोनेंशियल को एलिब्रेट किया है। ओपन करोगे तो माइनस आयोटा बीटा प्लस और प्लस आयोटा बीटा प्लस कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस आयोटा बीटा माइनस और माइनस आयोटा बीटा माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा। तो मैंने जस्ट अभी केवल इसको खोला है ना, मैंने बस इस वाले फैक्टर की बात करी है, और ये वाला फैक्टर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं इस वाले फैक्टर को लिखना चाहूंगा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो जब मैं इसको लिखना चाहूंगा ना तो ये वाला फैक्टर ऐसे लिखा है में आ जाएगा, देखना। इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा और लिखते हैं, तो प्लस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस प्लस आयोटा बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस में ना, तो माइनस ये इसको माइनस में लिख दो, इट इज द माइनस आयोटा अपॉन टू। अब इसको खोलो तो माइनस माइनस तो हो जाएगा ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ आयोटा बीटा प्लस, और ये जो है बीटा माइनस वाला फैक्टर जो है वो कट जाएगा, तो ये अगला वाला फैक्टर भी बन गया हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तो कर दो ब्रैकेट में बंद, ये तो हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम लोग इसको एलिब्रेट करते हैं, इस आयोटा वाई वाले को, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास, आयोटा वाई वाला फैक्टर में प्लस ये हो जाएगा आयोटा वाई के ई नोट वाई टू, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ई नोट एक और काम कर सकते हैं इसमें, एक्स नोड, ठीक है, बीटा माइनस प्लस बीटा प्लस, ओके। तो ये तो लेंथी हो जाएगा, बट ठीक है, सोल्व तो होगा ही आपसे, इसमें कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा प्लस और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करो आप लोग, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ठीक है, और यहाँ भी वही का वही है, क्योंकि माइनस आयोटा बीटा माइनस ये वही का वही फैक्टर है, तो यहाँ भी सेम वही का वही आएगा, और यहाँ भी प्लस एक्सपोनेंशियल करोगे पर यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, बस ये माइनस आएगा, बाकी सब तो ये वही का वही फैक्टर आएगा। अब आप देखो, कुछ अगर कॉमन आ रहा हो तो, कॉमन का मतलब इन द सेंस, मेरा मतलब ये है कहने का कि ना एक्सपोनेंशियल में पावर्स ऐड होती है, ठीक है ना। तो यहां से आप ये देखोगे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस अपॉन टू, और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस अपॉन टू, ये कॉमन आ रहा है। सिमिलरली यहां से भी यही चीज कॉमन आएगी नीचे से, तो मैं इस चीज को अगर बाहर निकाल लेता हूं, मान लो, अब समझना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, आई एम जस्ट डूइंग दैट। अगर मान लो एक्सपोनेंशियल में ए प्लस बी लिखा हुआ है, और यहां पर एक्सपोनेंशियल में ए माइनस बी लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ऊपर, देख लो आप लोग चाहो तो। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी, इसको मैं एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना बच जाएगा अंदर, एक्सपोनेंशियल बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बी, ऐसा कुछ आपको ऊपर दिख रहा है क्या। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो ए है ना ऊपर, वो ये माइनस का आयोटा
बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस अपॉन टू, मैं इसको ए बोल रहा हूं, और मैं जिसको बी बोलना चाह रहा हूं ना बार बार, वो ये है आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस अपॉन टू, मैं इसको बोलना चाह रहा हूं ए और बी, है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अब ए, और अगर आयोटा, आयोटा भी मैं छोड़ दूं एक बार के लिए, छोड़ो आयोटा भी छोड़ दो, केवल ए और बी को ऐसे लिख दो कि आप इसको आयोटा को भी बस छोड़ दो, आयोटा को यहां पे ले लो आप लोग, इसको आयोटा की फॉर्म में ले लो, इसको आयोटा की फॉर्म में ले लो, इसको आयोटा की फॉर्म में, इसको आयोटा की फॉर्म में, ये आयोटा की फॉर्म में ले लोगे तो ये आयोटा की फॉर्म में। तो एक बार बताओ एक्सपोनेंशियल आयोटा बी समथिंग, इसको ट्वाइस ऑफ कोस बी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। बस मैं यही करना चाह रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही चीज मैं नीचे लिखूंगा y के अंदर, तो यहां पर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन अगर आ जाता है ना, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आते फिर वो कोस नहीं बनेगा, वो साइन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली नीचे की ओर वाई में साइन बनेगा, ऊपर एक्स में कोस बनेगा। तो अब मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू एक्स केब ई नोड, तो एक्स केब ई नोड अपॉन टू, है ना। मैंने एक्सपोनेंशियल आयोटा ये बाहर निकाला है, इसका मतलब ये बाहर निकलेगा मेरे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस, और ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस अपॉन टू, ये मेरा ए है। और फिर उसके बाद में मेरे पास अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ कोस बीटा, लाइक दिस, समझ में आ रहा है। और यही चीज वाई में करता हूं मैं यहां पे, तो ये प्लस आयोटा वाई, तो ये टू से टू कैंसिल कर दो, प्लस आयोटा वाई के, यहां पर तो ये गई रहेगा, अपॉन टू, बट यहां पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आयोटा एंड साइन, क्योंकि आयोटा आता है साइन वाले फॉर्मूले में हमेशा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस अपॉन टू, और ये भी ई नोड अपॉन टू यहां भी था, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस हो गया। सो ई इज नथिंग जस्ट इक्वल टू, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो बाहर, तो एक्सपोनेंशियल कॉमन है, ई नोड कॉमन है, और एक्सपोनेंशियल में भी क्या कॉमन है, माइनस आयोटा बी प्लस और बीटा माइनस अपॉन टू, ये कॉमन है। अब अंदर जो बच गया, ओके के बच गया एक्स केप कोस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस अपॉन टू, और माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, वाई केप और साइन बीटा माइनस अपॉन टू, लाइक दिस। हाँ, इतना तो मेरे पास हो गया सॉल्यूशन। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना है इसका एम्पलीट्यूड और थीटा एंगल वगैरह लिखना है। तो दिस इज द इक्वेशन, नाउ दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ resultant wave which is linearly polarized, which is linearly polarized that have phase decay that have
phase decay, that is बीटा प्लस बीटा माइनस. अच्छा अपन हर जगह एल लगाना भूल गए यार, बीटा प्लस बीटा माइनस के साथ में हर जगह एल आ रहा है, ये एल आ रहा है ना बेटा. हर जगह एल लगाना भूल गए हम लोग, हर जगह एल है. हाँ तो आगे ये मेरे पास दैट इज एल बाई टू, तो ये हमारे पास फेज चेंज आ रहा है, फेज डिके आ रहा है. डिके इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल में माइनस है, इसलिए इस माइनस की वजह से मैं डिके बोल रहा हूँ. तो फेज डिके इतना है हमारे पास. द एंगल दैट द न्यू प्लेन ऑफ पोलराइजेशन द एंगल दैट द न्यू प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन मेक विद द ओल्ड मेक विद द ओल्ड. अब देखो नया एंगल बन गया पोलराइजेशन का, तो पुराने वाले प्लेन में और नए वाले प्लेन में जो डिफरेंस आया ना एंगल का, वो आएगा टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. थीटा एंगल में चेंज आया ना उसके प्लेन में, तो वाई और एक्स कॉम्पोनेंट चेंज. तो यहां पर देखो वाई कॉम्पोनेंट तो ये वाला है और ये एक्स कॉम्पोनेंट है, तो दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो साइन अपॉन कोस का डिफरेंस आएगा. साइन अपॉन कोस वो भी नेगेटिव है, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है. तो बेसिकली जो एंगल आएगा मेरे पास वो जाएगा टेन इनवर्स और माइनस में वी कैन से दैट टेन एल अपॉन टू, ठीक है ना. अब यहां पर नेगेटिव है और बाकी तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है वो तो सही है. अब अगर मैं नेगेटिव बाहर निकालता हूं तो हम ये बात जानते हैं बेसिकली नेगेटिव से नेगेटिव बाहर निकालोगे. एक बार ऊपर देख लेता हूं मैं, ऊपर बीटा माइनस बीटा प्लस ये नेगेटिव में है तो ठीक है, फेज ठीक है, तो ये एंगल यहां बनेगा बेसिकली नेगेटिव में, ठीक है ना. तो अगर मैं एंगल निकालूंगा तो नेगेटिव बाहर निकालूंगा, टेन से टेन कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इट जस्ट इक्वल टू बीटा माइनस बीटा प्लस और एल अपॉन टू. वैसे नेगेटिव साइन इतना कुछ रोल रखता नहीं है, नेगेटिव साइन जस्ट डीके को इंडिकेट कर रहा है. तो यहां लिख लो आप चाहो तो नेगेटिव, इसको आप चाहो तो यहां लिख दो माइनस का बीटा प्लस बीटा माइनस एल अपॉन टू. द नेगेटिव साइन इंडिकेट डीके, द नेगेटिव साइन इंडिकेट जस्ट डीके इंडिकेट डीके इफ द सम वेव If the some part of the wave propagating in z direction propagating in a z direction that is negative z direction, that is negative z direction, negative z direction, then the wave will arrive, then wave will arrive, A-R-R-I-V-E, will arrive, z is equal to 0, तो negative से कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, by the angle 2 theta, by angle 2 theta,
देखो यहाँ पे अगर वो नेगेटिव टिकी हो रही है ना, तो ये पोलराइजेशन है, तो इन दोनों का मिला के एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू ई नोड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस मल्टीप्लाई विद एल। ठीक है, अब मैंने 2 हटा दिया यहां से, 2 इसलिए हटा दिया क्योंकि वो जो है 2 थीटा एंगल कवर कर रहा है, पहले अपॉन में 2 था, तो 2 थीटा यहाँ पे क्या चीज है मेरे पास, माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस मल्टीप्लाई विद एल, ये 2 थीटा, बिकॉज थीटा हमारे पास अपॉन में 2 है, तो यहां से अपॉन में 2 हटा दो आप लोग, क्योंकि डबल एंगल कवर करेगा, और ये हो जाएगा एक्स के कोस मल्टीप्लाई विद एल, अपॉन में 2 था तो वो हट जाएगा, बिकॉज यहां पर 2 थीटा एंगल काम करेगा, माइनस वाई के एंड साइन अपॉन में 2 था तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है फेरेड रोटेशन का, और उस रोटेशन में रोटेशन एंगल ये वाला होगा वाया द पोलराइजेशन, सो वी कैन से दैट, सो लास्ट में एक लाइन लिख लो खत्म काम, सो वी कैन से दैट फेराडे रोटेशन इज नॉन रेसिप्रोकल, इज नॉन रेसिप्रोकल लाइक दिस, खत्म काम। तो ये डेरिवेशन था फेराडे रोटेशन का। अब इसके बाद में आपके पास लास्ट चीज बचती है फेराइट डिवाइसेस, किन डिवाइसेस के थ्रू रोटेशन हम लोग करेंगे, तो 3 तरह के डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके, और इन डिवाइसेस के बाद में फिर आपकी ये चैप्टर खत्म, और इसके बाद में ये यूनिट भी खत्म, फिर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कैविटी क्लेस्ट्रॉन जायरेटॉन लाइक दिस। तो ये यूनिट यहीं पे खत्म हो जाएगी आफ्टर 3 डेस्क्रिप्शन, तो 3 तरह के डिवाइस पढ़ेंगे हम कल से। चलिए अब मैं आपका फटाफट से एक बार अटेंडेंस ले लूँ।